हेलो नमस्ते सलाम, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं हम सबका चैनल ओनली टॉक। तो जैसा है गाइज, आप सब पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को रूटिंग के बारे में बताऊं कि रूटिंग करना सेफ़ है या फिर नहीं है, रूटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, रूटिंग करने के क्या नुकसान हैं। तो इस तरह की कमेंट्स आप लोगों के काफ़ी सारे मुझे देखने को मिला और आप लोग इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि इसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दूँ। वेल गाइज़, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि रूटिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं, रूटिंग करने के क्या नुकसान होते हैं, क्या आपको अपने फ़ोन को रूट करना चाहिए या फिर रूट नहीं करना चाहिए। इस सभी के बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरे विस्तार में बताने वाला हूं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा देना, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक इंस्टेंट देखने को मिल जाए। तो रूटिंग के फ़ायदे और नुकसान बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूटिंग होता क्या है। दोस्तों रूटिंग एक तरह की प्रोसेस है जो आपके स्मार्टफोन या फिर टैबलेट या फिर कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है जिसमें हम लोग उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स को इनेबल करने के लिए करते हैं, जिसे हम लोग रूट कहते हैं। जैसा कि आप लोग अपने सिस्टम की मॉडिफिकेशन वगैरह को चेंज करना चाहते हैं, तो उस तरह की कुछ मॉडिफिकेशन को चेंज करने के लिए जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, उसे ही रूटिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कि रूटिंग क्या है। अब मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं कि रूटिंग के क्या एडवांटेज हैं, यानी क्या फ़ायदे हैं। तो रूटिंग के दोस्तों कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आप लोग अपने फ़ोन में ऑफिशियली नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग कोई सी भी एंड्रॉयड की डिवाइस को यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलता है जो लॉक कंडीशन में होता है, जिसे आप लोग अपने फ़ोन में अगर अनलॉक करना चाहते हैं या उस फीचर्स को आप लोग अपने फ़ोन में इनेबल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने फ़ोन को रूट करना होगा। उनमें से दोस्तों जैसा कि एक मेथड है, एक प्रोसेस है, हम लोग अपने डिवाइस में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि Xiaomi की कोई सी भी डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, अगर उसमें आप लोगों को AMOLED पैनल देखने को नहीं मिलता है, लाइक Poco X3, Poco X2 या फिर Redmi Y2 की दोस्तों बात कर लेते हैं, कोई सी भी ऐसी डिवाइस जिसमें आप लोगों को IPS पैनल या डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो उसमें Xiaomi हमें ऑफिशियली अलाउ नहीं करता है कि हम लोग उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर पाएँ। पर दोस्तों अगर आपकी डिवाइस यहाँ पर रूटेड है तो आप लोग को एक जिप फाइल की मदद से आप लोग अपने फ़ोन में कस्टम रिकवरी के मेथड से या फिर मैजिस्क मॉड्यूल की मेथड से आप लोग अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग अपने फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर सकते हैं रूट की मदद से, यानी ये रूट की एडवांटेज है। दूसरी अगर दोस्तों एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि दोस्तों MIUI के लॉन्चर में हमें रिसेंट मेन्यू देखने को मिलता है, पर उसमें हमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले तो हमें सिर्फ एक वर्टिकली ऑप्शन मिलता था, पर लेटेस्ट अपडेट के साथ में हमें एक हॉरिजेंटली ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे सिर्फ दो ही तरीके से हम अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप लोग अपने फ़ोन में iOS 14 वाली लुक को इनेबल करना चाहते हैं, iOS 14 वाली लॉन्चर की लुक या फिर iOS 14 की जो रिसेंट मेन्यू देखने को मिलता है उस वाले लुक एंड फील को आप लोग फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को अपने फ़ोन को रूट करना होगा। उसके लिए भी आप लोगों को एक मैजिस्क मॉड्यूल मिलता है। अब मैजिस्क मॉड्यूल को अगर आप लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो गाइज़ आपको सिंपली अपने फ़ोन को रूट करना होगा और उस जिप फाइल को फ्लैश करते ही आपके फ़ोन में इस तरह की एडवांटेज देखने को मिल जाएगा और आप लोग iOS 14 की फील को अपने एंड्रॉयड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को एडवांटेज के बारे में बताया कि आप लोग डिवाइस तो यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉयड, पर आप लोग कोई सी भी फीचर्स अनलॉक फीचर्स को अगर अपने फ़ोन में इनेबल करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। या फिर बात कर सकते हैं दोस्तों, तो हमारे फ़ोन की जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो पहले हमें बाई डिफ़ॉल्ट 60 हर्ट्ज़ की सपोर्ट मिलता था, अभी जो डिवाइसेस हमें देखने को मिलता है उसमें 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ और 144 हर्ट्ज़ की भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर तो अगर आप लोग अपने फ़ोन में अनऑफिशियली अपने 60 हर्ट्ज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ करना चाहते हैं 70 हर्ट्ज़, 75 हर्ट्ज़, 80 हर्ट्ज़ इस तरह की कुछ हर्ट्ज़ में, यानी रिफ्रेंस, यानी आप लोग अपने स्क्रीन की रिफ्रेश रेट को यहाँ पर अनलॉक करना चाहते हैं, तो इसे भी आप लोग अपने फ़ोन में कर सकते हैं। ईजिली दोस्तों कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपने डिवाइस को रूट करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को अपने डिवाइस को रूट करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स नहीं किया जा सकता, यानी इसके एडवांटेज आप लोगों को बहुत से देखने को मिलते हैं। अगर मैं आप लोगों को सभी एडवांटेज के बारे में दोस्तों बताने जाऊँ तो एक मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, पर रूटिंग के एडवांटेज मैं आप लोगों को एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। खैर दोस्तों एडवांटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और हमेशा मैं मैजिस्क मॉड्यूल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैजिस्क की फाइल्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करता रहता हूँ, जो भी नए फीचर्स हमें देखने को मिलता है सभी के बारे में आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो एडवांटेज से मैंने आपको बता दिया है, और जो भी फीचर्स हमें देखने को मिलता है रूटिंग करने के बाद वो सब के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोज़ भी पहले भी आप लोगों को बनाकर दिखाया है, और आगे भी मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता रहूँगा। जैसे जैसे कोई भी मॉड्यूल्स या फिर रूट करने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्सेस हमें देखने को मिलता है, जो एक्स्ट्रा परमिशन हमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर जो भी वीडियोस आगे हमें मिलता रहेगा, जो भी मॉड्यूल्स वगैरह आता रहेगा या जो भी प्रोसेस वगैरह आता रहेगा, उसके ऊपर मैं आप लोगों को डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करते हो तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। कमेंट आप लोग करते हैं तो मैं आप लोग कमेंट को रीड करता हूं, और मुझे कमेंट्स आप लोगों को पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है। जिस तरह से दोस्तों अगर आप लोग बुक्स वगैरह को पढ़ते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। तो दोस्तों ये कुछ एडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है, और दोस्तों एडवांटेज के साथ ही साथ आप लोगों को कुछ डिसएडवांटेज भी देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये वार्निंग दे देता हूँ, अगर आप लोगों को रूटिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ आप लोग अपने फ़ोन में रूटिंग वाली प्रोसेस को फॉलो ना करें, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, अगर आप लोग कोई से भी स्टेप्स को अगर रॉन्गली फॉलो करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो आपकी डिवाइस यहाँ पर ब्रेक हो सकता है। अब दोस्तों ये ब्रेक दो तरह का होता है, या तो आपकी डिवाइस यहाँ पर परमानेंट यानी हार्ड ब्रेक हो जाएगा, जिसके लिए आप लोग अपने सर्विस सेंटर में विजिट करना होगा, या फिर दोस्तों आपकी डिवाइस यहाँ पर सॉफ्ट ब्रेक होगा, जिसे आप लोग अपने फ़ोन में अपने ही मदद से, अपने पीसी लैपटॉप की मदद से अपने फ़ोन को यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम दोस्तों आप लोग को यही देखने को मिलता है, डिसएडवांटेज, अगर आपको नॉलेज नहीं है रूटिंग की। लेकिन दोस्तों जिन लोगों को नॉलेज है रूटिंग की, वो लोग तो इजीली अपने फ़ोन में एडवांटेज वाली फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, पर उनमें से कई सारे लोग और भी है जो अपने फ़ोन में रूटिंग नहीं करना चाहते हैं। हालांकि उनको नॉलेज होता है, पर वो अपने फ़ोन को रूट नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रूट करने से हमारी फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों ये सच है, रूट करने से आपके फ़ोन की वारंटी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर रूट कर चुका है और आपकी वारंटी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, वॉइड हो गई है, और आप लोग सडनली अपने फ़ोन को लेकर सर्विस सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग अपने फ़ोन को यहाँ पर अनरूट करके सर्विस सेंटर जाएं, आपके फ़ोन यहाँ पर वारंटी में ही क्लेम की जाएगी, अगर आपकी फ़ोन अंडर वारंटी पहले से था। यानी आप लोग रूट करने से पहले अगर आपका फ़ोन पहले से अंडर वारंटी है, तो आप लोग अपने फ़ोन को अनरूट करने के बाद सर्विस सेंटर जाएंगे तो आपकी फ़ोन यहाँ पर अंडर वारंटी ही क्लेम की जाएगी। तो है ना दोस्तों आप लोगों को डिसएडवांटेज के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाता है। तो ये छोटे मोटे कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है, पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को डिसएडवांटेज से ज़्यादा एडवांटेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। एडवांटेज के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, डिसएडवांटेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप लोगों को कम नॉलेज है रूटिंग के बारे में तो आप लोग ट्राई ना करें, और अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग अपने प्राइमरी डिवाइस में इस प्रोसेस को यहाँ पर ट्राई ना करें, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी डिवाइस में हमारे काफ़ी सारे डाटा होते हैं जिसे हम लोग खोना नहीं चाहते हैं।